हरे कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रह्लाद महाराज के दिव्य उपदेश के संबंध में। प्रह्लाद महाराज दो जगह में उपदेश दिया था, एक अपने सखाओं के साथ जो स्कूल में गुरुकुल में पढ़ते थे, उस समय प्रह्लाद महाराज अपने सखाओं को शिक्षा दिए थे कुमार आचरित प्राग्रह, मतलब मनुष्य को बचपन से ही भक्ति करने की पद्धति को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि ये अकाल मृत्यु किस समय क्या हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है जीवन का, दुर्लभ मानसम जन्म। तो दो जगह प्रवचन किए थे प्रह्लाद महाराज, एक अपने पिता को हिरण्यकशिपु और एक अपने सखाओं को। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रह्लाद महाराज अपने पिता को क्या शिक्षा दिए थे। जब प्रह्लाद महाराज गुरुकुल में पढ़ने गए थे, तो गुरुकुल में पढ़ने गए तो बहुत दिन बाद, जैसे घर में छुट्टी होता ना उसी तरह कुछ छुट्टी हुआ था, तो नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु के पास प्रह्लाद महाराज आए अपने पिता के घर। तो अपने पिता के गोद में प्रह्लाद महाराज बैठा हुआ था और हिरण्यकशिपु ने प्रह्लाद महाराज को पूछा कि आप अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ विद्या, सर्वश्रेष्ठ जो ज्ञान वो कौन सा है, वो आप मुझे बताइए। एक्चुअली हिरण्यकशिपु का पूछने का अर्थ यह नहीं कि मैं अज्ञानी हूँ आप मुझे ज्ञान दें, हिरण्यकशिपु का पूछने का उद्देश्य जैसे पिता अपने पुत्र के प्रति स्नेही होता है, स्वतः ही स्नेह प्रायण होते हैं, तो बस मनोरंजन या आनंद के लिए कि जैसे कोई पिता अपने पुत्र को बोलता है क्या सीखा जिस स्कूल में, तो बच्चा बोलते ए बी सी डी ई एफ जी, तो उसी तरह पिता प्रसन्न होता है सुनकर। तो इस भावना से हिरण्यकशिपु ने प्रह्लाद महाराज को पूछा था कि आप अपने जीवन में या गुरुकुल में, इतना दिन गुरुकुल में थे आप, आपका गुरु संडोर अमरक शुक्राचार्य आपको क्या ज्ञान दिए। तो ऐसी भावना लेकर जब हिरण्यकशिपु पूछे तो प्रह्लाद महाराज ने उत्तर दिया। तो इस प्रह्लाद महाराज के उत्तर देने से पहले हम लोग को एक चीज़ जानना है कि ये जो संडोर अमरक है, वो संडोर अमरक वेतन भोगी, वेतन लेके काम करने वाले टीचर थे, उनका कोई अपना अस्तित्व आचार्य नहीं था। आचार्य मतलब जो अपने आचरण के माध्यम से जगत को या समाज को शिक्षा दे, लेकिन संडोर अमरक वो आचार्य नहीं था, वो पैसा देते थे जो बलवान, मतलब बोलना बोलेंगे हिरण्यकशिपु आप ऐसे ऐसे शिक्षा दो अभी समाज को, भगवान विष्णु बोल के कुछ नहीं, एक मतलब हिरण्यकशिपु भगवान है, इस तरह शिक्षा दो, तो संडोर अमरक शुक्राचार्य जैसे वो ऐसे शिक्षा देते, क्योंकि वेतन लेके काम करने वाला टीचर। इस संबंध में मुझे एक कहानी याद आया, कहानी एक घटना कि एक राजा था, तो राजा ने अपने एक सेवक था, सेवक को पूछे कि सेवक जी मुझे आलू का जो सब्जी है ये तो बहुत सुंदर है, कितना दिखने में भी गोल गोल और आलू सब्जी बहुत ही सुंदर है, बहुत स्वादिष्ट है। तो उनका सेवक उसको ब्रीफली मतलब डिस्कशन कर रहे, डिस्क्रिप्ट में डिस्क्राइब कर रहे कि हाँ राजा साहब आलू देखिए कितना सुंदर सब्जी है कि हर किसी सब्जी में वो मिल जाता है, जितना सर आलू के द्वारा सभी प्रकार की सब्जी बनाए जा सकता है, हाँ पालक के साथ मिला सकते हैं, बैगन के साथ मिला सकते हैं, फूल गोभी के साथ मिला सकते हैं, सब प्रकार के व्यंजन में या सब्जी में आलू को मिला सकते हैं, इसीलिए आलू जो है ये प्रसिद्ध सब्जी है।
आलू की महत्ता बहुत ही बड़ा है। तो राजा बोले, लेकिन क्या करे, वो तो ठीक है, लेकिन मैं जब ज़्यादा आलू खाता हूँ ना, तब मेरे पेट में या मेरे शरीर में मुझे बहुत कुछ बीमारी खेलता है, इसीलिए मेरे लिए तो आलू ठीक नहीं है। तब सेवक बोला, हाँ राजा साहब आप ठीक बोले कि आलू नहीं खाना चाहिए, आलू एकदम अच्छा चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें कितना ये फैल आपका बीमारी होता है, ये नुकसान करता है, आलू तो नहीं खाना चाहिए। सेकंड सेकंड में राजा बोले, बैगुन, और एक सब्जी है बैगुन, कितना स्वादिष्ट होता है ना। तब उनके सेवक को बोले, सेवक जी बैगुन बहुत अच्छा चीज़ है ना। तो सेवक डिस्क्राइब करने लगा, एक जो राजा थोड़ा सा कोई बोलता है और जो सेवक है वो पूरा ब्रीफली डिस्कशन करता है। तो बोले, हाँ बैगुन देखिए, बैगुन सबके साथ मिल जाता है, आप पालक साग के साथ मिलाएंगे तो कितना सुंदर सब्जी होगा, आलू के साथ मिलाएंगे बैगुन को तो कितना सुंदर सब्जी होगा, और बैगुन को आप चाकू से काट कर उसको तेल देकर पतला पतला करके कितना स्वादिष्ट, बैगुन की महत्ता तो बहुत ही सुंदर है। तभी तो राजा बोल रहे, वो तो ठीक है, लेकिन मेरा बैगुन खाने से क्या है ना, शरीर में प्रॉब्लम होता है, खुजली होता है या विभिन्न प्रकार का। तो सेवक बोला, हाँ राजा साहब आप तो एकदम ठीक बोले हैं, इसीलिए बैगुन को खाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बैगुन में बहुत बीमारी या बैगुन के अंदर मतलब कीड़े मकोड़े आपका रहता है, ये अच्छा नहीं है, बैगुन नहीं खाना चाहिए। तो राजा थोड़ा गुस्सा हो गए, बोले कि यार मैं जब किसी चीज़ को ग्लोरीफाइंग कर रहा हूँ, मैं किसी को महिमान्वित कर रहा हूँ, आलू अच्छा है आलू बुरा है, आप भी हाँ में हाँ मिला रहे, ना में ना मिला रहे, और बैगुन बोल रहे कि बैगुन अच्छा है, बैगुन में भी अच्छा बोल रहे, और जब बोले कि ना ये अच्छा नहीं है तो आप भी ना बोल रहे, मतलब क्या है, आपका कोई अपना दिमाग विमाग है कि नहीं, अपना बुद्धि से विचार करके बोलना चाहिए ना। तब सेवक बोला कि राजा साहब देखिए, ना मुझे बैगुन इंटरेस्ट है, ना मुझे आलू इंटरेस्ट है, मुझे उन दोनों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो इंटरेस्ट है आपसे, आप मुझे मंथली पेमेंट देते हैं, हर महीने आप मुझे वेतन देते हैं, तो आप अगर जो भी बोलेंगे कि हाँ बैगुन अच्छा है, हाँ अच्छा, बैगुन खराब है, खराब है, क्योंकि मुझे बात आपकी बात को मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बात को नहीं मानेंगे तो आप मुझे वेतन कौन देगा, तो मैं तो वेतन के लिए ऐसा करता हूँ कि आप जैसा मुझे बोलते हैं मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि वेतन तो आप दे रहे, तो इसीलिए मैं हाँ में हाँ मिलाता हूँ, अच्छा अच्छा बुरा बुरा, आप जैसा है आप जैसा चाहते हो वैसा ही करते हैं। तो ये जो शुक्राचार्य, सांडा, अमरकंटक, ये हिरण्यकशिपु के दिए वेतन के द्वारा जिस विषय में पढ़ाना कि नास्तिकवाद का प्रचार करो, नास्तिक शिक्षा दो, भगवान विष्णु बोल के कोई नहीं है संसार में, एकमात्र हिरण्यकशिपु भगवान, इस तरह करके वो शुक्राचार्य और सांडा अमरकंटक को पाठ पढ़ाए थे हिरण्यकशिपु कि आप इस तरह शिक्षा दो जगत को, क्योंकि हिरण्यकशिपु का चैलेंज था जीवन में कि कैसे हम सारे पृथ्वी लोक में विष्णु का नाम और निशान मिटा देंगे। क्योंकि जब होलिका का मृत्यु हुआ, होलिका जो उनकी बहन श्रृंगिका को जो ब्रह्मा जी का वरदान मिला था, ब्रह्मा जी वरदान दिए, अग्निदेव वरदान दिए थे कि अग्नि आपको जला नहीं सकती, तो वो भी अपनी प्रतिरक्षा के लिए अगर आप उसको यूज करें तो एक बार की बात है, प्रह्लाद महाराज को अपने गोद में लेकर श्रृंगिका अग्नि में प्रवेश की, और अग्नि में प्रवेश करने के बाद अग्नि धधकती, अग्नि जल रही है, तो जलते जलते श्रृंगिका सोचे सोचा कि प्रह्लाद आपको कुछ फीलिंग नहीं हो रहा, मतलब आपको कुछ गर्म अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन नहीं बुआ ऐसा तो कोई कुछ नहीं, और वो उनकी बात को ठुकर हरे कृष्ण महामंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेव, वो अपना भजन साधन में लगे हुए। तो श्रृंगी का क्या हुआ, वो जलने लगी, इतना जलने लगी कि वो अग्नि से बाहर निकल गई और पूरा जल के राख के वो मर गई। तो हिरण्यकशिपु
जब श्रृंगिका की ये अवस्था देखी कि अरे श्रृंगी मेरी बहन तो मर गई, अब क्या करे, तब हिरण्यकशिपु ने चैलेंज किया कि विष्णु मैं हिरण्यकशिपु हूँ, अगर पूरे विश्व में तेरा नाम न मिटा दूँ तो मेरा नाम हिरण्यकशिपु। तो ऐसे करके वो चैलेंज लिया था, प्रतिज्ञा किया था हिरण्यकशिपु। तो इसीलिए अपने पुत्र प्रह्लाद को ऐसे करके बहुत कुछ ये है। तो प्रह्लाद महाराज उनके गोद में हैं बैठे हुए हिरण्यकशिपु को। तो हिरण्यकशिपु जैसे ही उनको पूछा कि पुत्र प्रह्लाद, अब मुझे बताइए आप जितने कुछ गुरुकुल में पढ़े या आपको जो भी अच्छा लगे, क्योंकि डायरेक्ट तो हिरण्यकशिपु तो बोल नहीं पाएंगे ना, डायरेक्ट बोलेंगे अच्छा आप गुरुकुल में क्या सीखे, आपके गुरुदेव ने क्या सिखाया आपको। उनका गुरुदेव तो सिखाया हिरण्यकशिपु भगवान है, विष्णु बोल के कोई नहीं है, वो सिखाया है प्रह्लाद को या समस्त बालकों को। तो अगर वो डायरेक्ट बोलेंगे हिरण्यकशिपु कि आप अपने गुरुदेव ने क्या सिखाया, तब तो पकड़े जाएंगे। तो इसीलिए हिरण्यकशिपु इनडायरेक्टली पूछ रहा है प्रह्लाद को कि प्रह्लाद आप बताइए कि आप अपने गुरुदेव से या अपने या जो भी अपने अनुभव से पूरे जीवन में आपका सबसे बड़ा अनुभव क्या है और आपकी सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्या क्या है, आप मुझे वो बताइए। तब प्रह्लाद महाराज बोले कि मेरे प्रिय पिताश्री, सबसे बड़ा जो मैंने सीखा है इस जीवन में वो है कि व्यक्ति को 50 साल के बाद घर परिवार छोड़ देना चाहिए और वन में जाकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए उनके चरण कमलों में आश्रय लेना चाहिए, क्योंकि हित्वा तो पातम गृहांधकूपम, इस गृह अंधकूप में नहीं रहना चाहिए, उसको हरि आश्रयत, उसको बन जाना चाहिए और वन में जाके वहाँ पे हरि भजन करना चाहिए। और हरि भजन करने की 9 विधियाँ हैं और हिरण्यकशिपु को पूरा अपना लेक्चर शुरू किया। 9 विधि में से पहला है श्रवण, कीर्तन, स्मरणम, वंदनम, पाद सेवनम, अर्चनम, आत्मनिवेदनम, सक्षम, ये 9 प्रकार की विधि का वर्णन कर दिए। तो प्रह्लाद महाराज क्यों ये अपने पिता को बोले, ये श्री प्रह्लाद महाराज अपने पिता के माध्यम से समस्त जीवों के लिए सबको ये ज्ञान अपना अनुभव प्रदान कर रहे कि भगवान को प्राप्त करने के लिए 9 विधियाँ महत्वपूर्ण है, 9 विधियाँ। और सबसे पहला है श्रवण, भगवान के विषय में भगवान की लीला कथाओं को सुनना, कि जब हम लोग भगवान की लीला कथाओं को सुनेंगे, पहले भगवान की लीला कथाओं को सुनेंगे तब हम लोग कीर्तन कर पाएंगे। कीर्तन मतलब बोलना, स्पीकिंग, हियरिंग मीन्स श्रवण, सुनना, कीर्तनम मीन्स स्पीकिंग, चैंटिंग, भगवान के विषय में बोलना। जब भगवान के विषय में बोलेंगे कि ऐसे ऐसे भगवान लीला किए थे, रामचंद्र ने अहल्या का उद्धार किया, सबरी को उद्धार किए, तारका को मारे, शिव धनुष को तोड़ा, जनकपुरी में सीता जी से विवाह किया, फिर अयोध्या का राजा बना, फिर रावण को, ऐसे ऐसे करके जितना सारा भगवान की लीला कथा हम लोग अगर श्रवण करेंगे तो बोल पाएंगे। और बोलने से क्या होगा, हमारा स्मृति में रहेगा, स्मरण, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, स्मरण में रहेगा स्मरण। उसके बाद अर्चन, भगवान की पूजा पाठ, उनके विग्रहों का अर्चन करना है, अगरबत्ती देना है, धूप दीप, भगवान के बारे में, भगवान की महिमा के लिए नृसिंह स्तव पाठ करना है, राधा स्तव पाठ करना है, कृष्णा अष्टोत्तर शतनाम पाठ करना है, इस तरह भगवान की लीला हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। इससे करके अर्चन, मंदिर में पूजा, नारदी पंचरात्रि विधि के अनुसार अर्चनम, फिर वंदनम, वंदना, स्तुति करना है भगवान का, जैसे दुर्गा स्तुति, प्रह्लाद स्तुति, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, गजेंद्र स्तुति, वित्तासुर की स्तुति, इस तरह करके श्रीमद् भागवतम में सभी स्तुतियों का वर्णन है, भगवान को स्तुति करना है, वंदन, अर्चनम, वंदनम, सख्यम,
सक भगवान से अपनी मित्रता स्थापित करना है कि हे प्रभु, आप मेरे कितने सुहृद हैं, आप मेरे सर्वदा मंगल की कामना करते हैं, मेरी रक्षा करते हैं, मैं आपको भूल न जाऊँ, सर्वावस्था में मैं आपकी महिमा का गान करता रहूँ, आपकी लीला कथा को श्रवण करता रहूँ। पाद सेवनम मतलब भगवान की पाद, उनकी चरण कमलों की सेवा। पाद सेवन में वैष्णव सेवा भी होता है, क्योंकि भगवान बोलते हैं कि जो मेरा भक्त है वो वास्तव में मेरा भक्त नहीं, जो मेरे भक्त का भक्त है, जो मेरे दास का दास है, वही मेरा दास। ये आदि पुराण में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि जो मेरे दास का दास है वही मेरा सच्चा दास है। तो इसलिए पाद सेवन में भगवान के भक्तों की सेवा आता है, भगवान की सेवा आती है, क्योंकि डायरेक्ट तो कृष्ण हमारे पास नहीं है ना, इसलिए गुरुदेव के माध्यम से, भक्तों के माध्यम से, सेवा के माध्यम से हम लोग पाद सेवन भगवान की सेवा कर सकते हैं। पाद सेवनम आत्मनिवेदनम, आत्मने अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण कर देना है कि हे प्रभु, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि संसार में मैं सब कुछ देखा कि मैं देने की वस्तु क्या है, मेरे पास क्या है। ये जो शरीर है, मान लीजिए मेरा घर है, नौकर चाकर, गाड़ी, बंगला, सब कुछ है, लेकिन वो तो मेरा नहीं है। मेरा जन्म से पहले भी तो ये सब ऑलरेडी पृथ्वी लोग था, और मेरा जब मृत्यु हो जाएगा फिर भी ये यहीं पर पड़ा रहेगा, तो मेरा बोल के क्या है, मेरा बोल के कुछ नहीं। ये जो शरीर है, ये हाथ है, आँख कान सब कुछ, ये तो आपका दिया गया देन है, मेरे पास क्या है। मेरा अगर कोई है, वो एक थोड़ी सी सूक्ष्म स्वतंत्रता कि मैं आपको प्यार कर भी सकता हूँ, आपको प्यार नहीं भी कर सकता। तो हे प्रभु, मैं एकमात्र आपसे ही प्यार करता हूँ, तो ये जो मैं आपसे प्यार करता हूँ, हे कृष्णा, मैं बस आपका, यही इसी को कहा जाता है आत्मसमर्पण, आत्मनिवेदन। तो ऐसे करके प्रह्लाद महाराज नर्मदा भक्ति का वर्णन किए अपने पिता को। खैर उतना डिस्क्रिप्शन नहीं दिया, उतना डिस्क्रिप्शन देने से पहले ही वो विष्णु का नाम श्रवणम कीर्तनम विष्णु पाद सेवनम स्मरणम वंदनम सखम आत्मनिवेदनम, जैसे विष्णु का नाम उनके कान में गया, प्रह्लाद महाराज पूरा नवदा पूरा श्लोक को भी बोल नहीं पाए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, बस विष्णु का नाम उच्चारण करते करते क्रोध से भर गया। फिर उनको बोले कि इनको मारो, इनको जेन के न प्रकार न मारो, उस तरह करके सैनिकों को आदेश दिया, प्रह्लाद महाराज को मारने का प्लान किया, लेकिन प्रह्लाद महाराज का एक बार भी वाका नहीं कर पाए, क्योंकि साक्षात वो भगवान की शरण में, क्योंकि जो भगवान कृष्ण की शरण में आते हैं उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकते। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद का घटना है कि श्रील प्रभुपाद लॉस एंजलिस में मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, जप कर रहे थे, और समुद्र के किनारे किनारे वो चल रहा था। उनमें से बहुत सारे शिष्य थे, उनमें से एक शिष्य था ब्रह्मानंद महाराज सन्यासी थे। तो ब्रह्मानंद बहुत ही लंबा था, अबाउट 6 feet, उससे भी बड़ा। तो प्रभुपाद ने बोला उनको, देखिए वो कछुआ को देख रहे हैं, बोले कि हाँ, तो उसको आप पकड़ के ले आओ। तो वो तो पहले से ही सन्यासी से पहले ये सब तो फुटबॉल वगैरह बहुत कुछ करते थे खेल को, तो वो गुरु महाराज का आदेश पाते ही, गुरु आदेश, गुरु मुख पद्मवाक्य चित्ते थे खड़ी, वो तुरंत उसको छलांग लगाया और उनको पकड़ने के लिए, लेकिन वो पूरा भीग गया पूरा शरीर, लेकिन फिर भी उसको पकड़ नहीं पाए, वो चला गया। तो प्रभुपाद बोले देखा, तो प्रभुपाद जैसे हंसा, तो प्रभुपाद की हंसी को देख के बाकी सब शिष्य भी हंसने लगा। तो बाकी सब शिष्य जब हंसने लगा तो उसको थोड़ा गिल्टी अपमान फीलिंग हुआ कि क्या। तो प्रभुपाद बोले कि देखा, आप इतने बड़े हट्टा खट्टा युवक, लेकिन एक छोटा सा कछुआ को नहीं पकड़ पाए, इतना भी आपके पास शक्ति नहीं। तो प्रभुपाद बोले, जानते इसका कारण क्या है, क्यों आप उसको पकड़ नहीं पाए? उसका कारण यह है कि उन्होंने जिस व्यक्ति का आश्रय लिया है वो अथाह है, अनंत विशाल है, उन्होंने समुद्र का आश्रय लिया है।
है वो छोटा प्राणी कछुआ, लेकिन आश्रय किसके लिए है? समुद्र जो अथाह है। आप 8 फीट हो या 6 फीट हो या 10 फीट हो, रूपात बोल रहे हैं, लेकिन समुद्र के सामने आपका कोई क्यों प्यार नहीं है। तो वो जबकि वो छोटा था, लेकिन फिर भी आप उसे पकड़ नहीं पाए, क्योंकि वो एक सुप्रीम, एक विशाल अथाह सागर का आश्रय है। तो उसी तरह हम लोग बहुत ही छोटे हो सकते हैं, तुच्छ हो सकते हैं, लेकिन भगवान कृष्णा अनंत विशाल है। अगर उनकी शरण में रहेंगे, दुनिया का कोई भी शक्ति हमको परास्त नहीं कर सकता। कोई कितना ही ऐसे छोटा सा जंतु, छोटा सा चीज को ब्रह्मानंद 8 फुट का व्यक्ति उसे पकड़ नहीं पाए। तो इसके माध्यम से श्रील प्रभुपाद शिक्षा दे रहे कि अगर आप कृष्ण के शरण में आए तो जगत का कोई भी ताकत, कोई भी शक्ति आपको झुका नहीं सकते, क्योंकि आप कृष्ण के आश्रय में, और जो कृष्ण के आश्रम में है वो जगत से तर गया, क्योंकि श्री कृष्ण अनंत विशाल है। अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवजो वनम वेदेशु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। इतने अनंत विशाल श्री कृष्ण। तो ही श्री प्रह्लाद महाराज के इस नवदा भक्ति के प्रोसेस में पहला जो काम है हमारा, नवदा भक्ति का स्मरण, श्रवण, कीर्तन, स्मरण। तो नौ भक्ति कर पाए या ना कर पाए, एटलीस्ट एक तो करना है, वो है श्रवण। श्री प्रभुपाद तात्पर्य में लिखे है कि अगर कोई सिर्फ ओनली हियरिंग अबाउट कृष्णा, सिर्फ कृष्णा के विषय में सुने, तो उसको कुछ नहीं करना है, क्योंकि कृष्णा उसके हृदय में परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं। और कृष्णा देखते हैं कि ये व्यक्ति अभी सीरियस है, गंभीर है मेरे विषय में सुनने के लिए, तो कृष्णा अपने आप को उनके सामने प्रकट कर देता है, उनके हृदय में वो अपने आप को प्रकाशित कर देता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया, श्रीनतां स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्तो हिवद्राणी विधुनति सुहृत्सता। मतलब श्रीनतां स कथा कृष्ण, कृष्ण की कथा अगर हम लोग सुनेंगे, श्रीनतांग स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, ये पुण्य है, हमारे जितने सारे पाप है शरीर में, पाप मिट जाता है, पुण्य का उदय होता है, पुण्य श्रवण कीर्तन। और पुण्य होने से ही भक्ति शुरू होती है, क्योंकि जब तक व्यक्ति पापी रहता है वो भक्ति को कर नहीं पाएगा। एक श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया कि जैसा अंत गतम पापम जनाना पुण्य कर्मणा, जिसका पाप का क्षय हो चुका है, जिसका पाप का नाश हो चुका है, और जनाना पुण्य कर्मणा, और जब पुण्य कर्मों में लगे हैं, ते दंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ बढ़ता, वही व्यक्ति समस्त दंद मोह से मुक्त होकर भजन्ते माम, मतलब भजते हैं मेरी भजना करते, दृढ़िया बढ़ता, डिटर्मिनेशन, संकल्प के साथ कि मैं अभी कृष्ण भक्ति के पथ में आया हूँ, मैं और विचलित नहीं हूँ, मैं अभी कृष्ण भक्ति करूँगा सुंदर रूप से, जजंते मांग। तो यहाँ पे जो है पुण्य श्रवण कीर्तन, क्योंकि ये जो श्रवण कीर्तन है, भगवत भक्ति का गान, श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण, ये पुण्य है, और इनके माध्यम से भी हमारा भक्ति उदय हो। हृदयंतस्त ही अवद्राणी, हृदय मतलब हमारे हृदय में जो अनेक जन्म जन्मांतरों से जो विभिन्न प्रकार का गंदा चीज, काम वासना, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये जो भरा हुआ है, ये धीरे धीरे विधुनति सुहृत्सता, विधुनति मतलब भगवान उसके हृदय में वो पूरी तरह से क्लीन करता है। ये भगवान की कथा में इतना पावर, इतनी शक्ति रहती है भगवान की कथा, जैसे हम लोग कर्णरंध्र में सुनेंगे तो वो हृदय में आके क्लीन करता है सब जगह। और विधुन सुहृत सताम, सताम मतलब परम शक्ति, सुहृत मतलब भगवान, ये सबका मंगलकारी। तो इसीलिए हर दृष्टिकोण से हियरिंग सर्वनम, भगवान के विषय में सुनना बहुत ही आवश्यक है हमारे जीवन का, मनुष्य जीवन को सार्थक करने की यही एक पद्धति है और यही एक उपाय है, अन्यथा हर जगह कितना भी प्रयास करें संभव नहीं है, क्योंकि तपस्या करना, यज्ञ करना, अर्चन करना, मंदिर में पूजा करना कर सकते हैं, लेकिन मन चंचल, मन को बस में करने का एक ही मात्र उपाय है, वह है भगवान कृष्ण के लीला कथा को सुनना, भगवान की अनंत लीला कथाएं। रामादि मूर्ति सो कला नियमेन तिष्ठन नानावतारम अकरोत भुवनेशु, भुवनेशु मतलब जगत में, नानावतारम विभिन्न पर
विभिन्न अवतारों के रूप में भगवान आए और लीला की। कितने सारे पुराण हैं, बराह पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, मार्कंडेय पुराण, नृसिंह पुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण, कितने सारे हैं। तो लेकिन श्रील व्यासदेव बोले कि किसी दूसरे पुराण के पढ़ने की जरूरत नहीं, वेद को भी पढ़ने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ श्रीमद् भागवतम का श्रवण करो। श्रीमद् भागवतम में समस्त वैदिक ज्ञान, समस्त भगवान की लीला कथाओं को वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवतम सार है, सारम सारम समुद्भृतम, मतलब समस्त वैदिक साहित्यों को निचोड़ करके श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। निगम कल्पतरु, निगम मतलब वैदिक साहित्य, कल्पतरु डिजायट्री, जो चाहेंगे वही मिलेगा, मतलब भगवान की समस्त लीला इसमें है, कृष्ण प्रेम है इसमें श्रीमद् भागवतम में। निगम कल्पतरु गलितम फलम, फल सुखमुखा द्रव संयुतम, सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला हुआ अमृत द्रव संयुतम, पीबत भागवत रसमलायम, भूवि मुहुर वह रसिक का भूवि भाव का, जो रसिक भक्तगण है, जो भगवान के भक्त है, जो भगवान की लीला कथा को सुनने की इच्छुक है, उसको भूवि भाव का, उसको मुहुर वह, मुहुर मतलब बारम्बार, सर्वक्षण सर्वक्षण मुहुर वह रसिक का भूवि भाव का, वो उसे आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए श्रीमद् भागवतम का आश्रय लेने से और किसी चीज़ का आश्रय लेने की जरूरत नहीं है संसार में। श्रीमद् भागवतम की कथा सुनने से हमारा परम मंगल होगा और दूसरों का भी मंगल होगा। इसीलिए पहले, क्योंकि अगर हम लोग भगवान की कथा को सुनेंगे तो किसी को बोल पाएंगे, और जब किसी को बोलेंगे तो वो सुनेंगे तो वो किसी को बोलेंगे, इस तरह करके जगत में मंगल मंगलमय वातावरण बन जाएगा। इसीलिए श्रीमद् भागवतम को अपने जीवन में लाना है, श्रीमद् भागवतम की कथा को जितना हो सके हम लोग को ग्रहण करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, जय जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय।